किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मुश्किलें दिल का हौसला आजमाती हैं, ख्वाबों को आंखों पर से हटाती हैं, पर हार मत मानना ए मुसाफिर, आखिर यही ठोकरे इंसान को चलना सिखाती हैं। शायद यही वजह है कि कांगड़ा की रहने वाली अनाथ बेटी स्नेहलता तमाम ठोकरों के बावजूद आज देश की टॉप क्लास कंपनी में बतौर मोटर मैकेनिक चयनित हुई है। और भी इसका हौसला है जिसकी बदौलत स्नेहलता ने घर की चार दीवारी में खुद को कैद करने की बजाय दुनिया में अपनी मेहनत से सर उठाकर जीना चुना है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मुश्किलें दिल का हौसला आजमाती हैं, ख्वाबों को आंखों पर से हटाती हैं, पर हार मत मानना ए मुसाफिर, आखिर यही ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। शायद यही वजह है कि कांगड़ा की रहने वाली अनाथ बेटी स्नेहलता तमाम ठोकरों के बावजूद आज देश की टॉप क्लास कंपनी में बतौर मोटर मैकेनिक चयनित हुई है। ये उसका हौसला ही है जिसके बदौलत स्नेहलता ने घर की चार दीवारी में खुद को कैद करने की बजाय दुनियादारी में अपनी मेहनत से सर उठाकर जीना चुना। स्नेहलता जब महज 4 साल की थी तो उसके सर से उसके माँ बाप का साया उठ गया था। स्नेहलता के 8 भाई बहन हैं, जिनमें से वो चौथे नंबर की हैं। असहज हालतों में बेरुक जिंदगी की डगर पर चलते हुए स्नेहलता ने बामुश्किल अपनी स्कूलिंग पूरी की। बड़े भाई ने भाई होने का फर्ज इतना अदा किया कि बहन अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उसे शाहपुर ITI में दाखिला दिलवा दिया। ITI शाहपुर में बतौर इलेक्ट्रीशियन स्नेहलता ने अपनी प्रतिभा के जौहर से डिप्लोमा हासिल किया और कई जगहों में बतौर इलेक्ट्रीशियन कामकाज भी करना शुरू कर दिया। स्नेहलता की मेहनत का ही नतीजा था कि वो जहां भी काम करती सबका दिल जीत लेती। बावजूद इसके उसे अभी भी अपने काम से संतुष्टि नहीं मिली। उसने अपने इस काम से हटकर बड़ी गाड़ियों की मरम्मत करने का सपना संजोया और कई मोटर मैकेनिकों के पास जाकर काम भी सीखने लग गई। स्नेहलता जहां गाड़ियों और इमारतों में अपने इलेक्ट्रिकल काम के लिए प्रखर थी, वहीं मैकेनिकल काम में भी उसकी दिलचस्पी ने उसे नई राह दिखा दी। स्नेहलता के मजबूत इरादों को उस वक्त पंख लग गए जब ITI शाहपुर में कैंपस प्लेसमेंट हुई और स्नेहलता की प्रतिभा को एक नामी कंपनी ने पहचानते हुए उसे अपने कुनबे में शामिल कर लिया। नगरोटा बागमा स्थित इस नामी कंपनी के गैराज में आज स्नेहलता के हाथ बड़ी मशीनरी और टूल्स के बीच में इस कदर घूमते हैं कि पुरुष प्रधान मैकेनिक समाज में आज हर कोई इस इकलौती महिला मैकेनिक का कायल हो गया है। खुद कंपनी अब स्नेहलता की मेहनत, प्रतिभा और जज्बे को सलाम करते हुए और दूसरी महिलाओं को इस दिशा में मौका देना चाह रही हैं। इतना ही नहीं, कंपनी की HR की माने तो उन्होंने स्नेहलता को अपने गैराज में नौकरी देकर कोई गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी मैकेनिकल के क्षेत्र में अपना जौहर दिखाने का रास्ता खोल दिया है। ये सब स्नेहलता की बदौलत ही संभव हो पाया है। यूं तो आज हर क्षेत्र में बेटियां अपनी मेहनत और जौहर के खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। बावजूद इसके अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बेटियां अपना वर्चस्व कायम नहीं कर पाई हैं, जिसमें से मैकेनिकल क्षेत्र भी एक है। हिमाचल में शायद ही ऐसा मोटर गैराज होगा जहां एक बेटी स्नेहलता की मानित टूल्स और मशीन के साथ जदोजहद करती हुई दिखे। इसलिए कंपनी खुद दावा कर रही है कि स्नेहलता इकलौती ऐसी बेटी है जो पुरुष प्रधान मैकेनिक क्षेत्र में अपने जौहर का लोहा मनवा रही है। भले ही मजबूरी में कांगड़ा की इस हुनरमंद बेटी ने पहले इलेक्ट्रीशियन और अब मैकेनिकल के क्षेत्र में काम करते हुए अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला लिया हो, लेकिन शायद इसे भी ये भान नहीं कि आज वो दूसरी बेटियों के लिए भी न केवल प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं बल्कि उनके भविष्य का मार्गदर्शन भी करेंगी। ये हीरे को खोजने में सबसे बड़ी जो योगदान है वो ITI शाहपुर का भी है। वहाँ पे प्रिंसिपल हैं मिस्टर लखनपाल जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है हमें ये लड़की ढूंढने के लिए। हम उनके पास गए थे सबसे पहले JS ग्रोवर की तरफ से कि हमें एक लेडी टेक्नीशियन चाहिए सो दैट हम लेडीज़ को प्रमोट कर सकें और फर्दर लेडीज़ हिमाचल की ये सीखें कि हम हर जगह पर काम कर सकते हैं। शी इज़ मोर देन कैपेबल बिकॉज उसका ITI जो है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में है और वो अभी टेक्नीशियन ट्रेड में ट्रेनी रखी है हमने, तो वो सीख रही है बहुत काफ़ी स्पीड से। वो सीख रही है इलेक्ट्रीशियन होके वो मैकेनिक सीख रही है अभी, तो आप समझ सकते हैं कितना कैपेबल है वो। सर एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी दोनों की, तो उस वजह से फिर मैंने जो है अपनी स्टडी कुछ लोगों के घर से कम्प्लीट किया, लोगों के घर में रह के, तो
उस वजह से मैंने फिर उसके बाद जो है स्ट्रगल करने बाद मेरे भाई ने मुझे एडमिशन लेके दी आईटीआई शाहपुर में। मैंने वहाँ से इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई की है, अभी पास आउट हुई हूँ। उसके बाद मैं बद्दी यूनिवर्सिटी में गई थी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में, वहाँ पे मल्टी स्किल टेक्नीशियन की ट्रेनिंग की 3 महीने। फिर वहाँ पे काफ़ी जो है कंपनीज में इंटरव्यू दिए, लेकिन यहाँ फिर आईटीआई से मुझे कॉल आई थी कि यहाँ पे इंटरव्यू है। महिंद्रा से मुझे कॉल आई थी, तो मैं वहाँ से इंटरव्यू देने के बाद यहाँ पे आई। यहाँ पे इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि मतलब आप जो है यहाँ पे मतलब वर्क कर सकते हो, मतलब मुझे यहाँ पे बताया इन्होंने वर्कशॉप के लिए। मैंने बोला मैं कर सकती हूँ, तो बस यहाँ पे आ गई। सर अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ। सर मेरे 2 भाई हैं और 4 सिस्टर हैं। सर घर के हालात नॉर्मली हैं, ठीक भी हैं और नहीं भी ज़्यादा। मतलब सर मेरे भाई हैं वो, और सर यहाँ पे आई हूँ तो सर मिले मुझे संजय शर्मा सर, उन्होंने। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।